सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बरकत जी, छुट्टी है आज और फुर्सत भी। ये क्या, हम आपसे बातें किए जा रहे हैं और आप है कि हमें तवज्जो देने की जगह अपने मोबाइल में मशरूफ हैं। शफक बेगम, हम तो इसलिए मशरूफ हो गए थे क्योंकि आप ही अपने कामों में मशरूफ थी। बस आप फ्री हो जाओ, फिर आप और हम। अच्छा जी, तो लीजिए, हमारा काम हुआ खत्म। अब बताइए। तो फिर कसम से आपको एक पल की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। आप ठीक तो हैं? अरसा हुआ आपके मुंह से हमने ऐसे अल्फाज नहीं सुने हैं। तो क्या हुआ? वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सच? मोना का फोन आ रहा है, हो सकता है कुछ जरूरी हो, बात करनी पड़ी। हेलो संजीव जी। देखिए, जरूरी काम था, मिलना है आपसे। अभी? हमें पता है आपका क्लिनिक बंद है, लेकिन काम जरूरी है, आ जाइए। ठीक है, हम आते हैं। देखिए बरगा जी, हमारा और आपका साथ यहीं तक था और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अचानक से हम ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे? अच्छा देखिए, कोई और रास्ता तो होगा ही आपके पास। देखिए, घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है हमारी, जो कह दिया तो कह दिया। विमला, तुम इस समय यहाँ क्लिनिक में कैसे? सर, मैं अपनी पर्सनल डायरी भूल गई थी, मम्मी की दवाइयाँ लिखती हैं, जरूरी थी इसीलिए आई। ओके, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। बता जी, बुरा मत मानिए लेकिन ये हमारी पर्सनल पी है, क्लाइंट की जो भी मीटिंग होती है या क्लिनिक की, उसमें हमारे साथ ही रहती। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये जो बातचीत हमारी है ना, हमारे बीच में है, ज़्यादा अच्छा है। आप विमला, आप हमारा बाहर इंतजार। ओके सर। बरका जी, एक महीने है आपके पास, ये जगह खाली कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हम पे जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। पहले आप कह रहे हैं क्लिनिक खाली करना है और फिर आप उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक महीने का वक्त है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, ठीक है? मुझे अपने पर्सनल काम के लिए जगह चाहिए, बस। ये आप कैसे कह रहे हैं संजीव जी? हम 3 साल का काउंसलर का जमाया हुआ बिजनेस लेके कहाँ जाएंगे? ऊपर से हमारे सारे क्लाइंट इस माहौल में दिमागी तौर पर ढल चुके हैं, ये तो सुसाइड करने जैसा होगा ना। देखिए बरकत जी, क्या है ना, ये सोचना आपका काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, अरे सारा और सलीम, सरप्राइज, आ जाओ। इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत। आओ अंदर आओ। बरकत, देखिए कौन आया है, आइए बैठिए। बाजी क्या बताएं, वो बस का टायर पंचर हो गया था, इसलिए इतना लेट हो गया। वैसे बाजी, एक बात कहें,
आप तो जरा सी भी नहीं बदली, मतलब शादी के इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसे की वैसी हैं। मगर बरकत जीजा जी थोड़े सीरियस टाइप के हो गए। अब दिन भर लोगों का सीरियस टेंशन सुनेंगे तो सीरियस तो होंगे ना। अब देखिए कैसे हमारी बात सुनकर नाक फुलाकर बैठ गए। तो सलीम कैसे आना हो? हाँ, ये कुछ आपने काम की बात की, वो क्या है ना, हमारा कोर्स पूरा हो गया है तो बस अब आपके हाथों के नीचे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप ना हमको अपने साथ जोड़ लो, हम भी आपकी तरह अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं पटना में। लेकिन अभी हमें किसी इंटर्न या असिस्टेंट की जरूरत तो है नहीं। अरे तो जरूरत तो बनानी पड़ती है ना। लेकिन हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम बताते हैं। जी भाईजान। जानू, आप क्यों इतने परेशान दिख रहे हैं? देखो बेबी, बात फिक्र करने की, संजीव जी ने इस महीने की 30 तारीख तक हमें क्लिनिक खाली करने को कहा है। क्या? हाँ, 3 साल की कड़ी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और फिर इसी प्रोफेशन को किसी नई जगह जमाने में 1 साल लग जाएगा। ऊपर से हमने इतना कर्जा ले रखा है जिसको हम अभी तक चुका रहे हैं, और जब वक्त आया पैसे बनाने का तो हमारे सर पे ये बम फूट गया। शफक, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा हौसला टूट गया तो? ऐसे मत बोलिए प्लीज। आंटी, आप बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह, आप कितना प्यार करती है हमसे। पापा पापा, ये आंटी हमें अच्छी लगी, आप इन्हें हमारी टीचर बना दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, बना देंगे। लेकिन अभी आपके सोने का टाइम हो रहा है ना, तो मैं सुबह स्कूल लेट हो जाऊंगी। चलो सो जा। ओके पापा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। नंदनी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। संजीव, आई लव यू। लव यू टू। 5 साल हो गए इसकी माँ का सर्वास को, कमी तो है लेकिन कभी महसूस नहीं होने देंगे। और अब तो तुम भी हमारे साथ हो, कहने को हमारी मोहबली बहन की बेटी लेकिन अब इसकी माँ। नंदनी, बस अब तैयारी करो बरकत की जगह अपना काउंसलिंग सेंटर खोलने की। उनकी गुडविल का फायदा मुझे होगा। यही तो हम चाहते थे, एक बार बरकत का क्लिनिक जम जाए और तुम्हारी स्टडी और प्रैक्टिस पूरी हो जाए, उसी का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। पर ये सारी जानकारी मिली कहाँ से? विमला, बरकत की थी। हम उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देते रहते हैं और वो वहाँ की जानकारी हमको देती रहती है। देखो उन्होंने क्या है कि इस तरह की पॉलिटिक्स उनको पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते। थैंक यू सो मच। कितने बजे ऑफिस के लिए निकलना है जीजू? थोड़ी देर में। हमें तो खतरे की घंटी सुनाई दे रही है बाजी, मतलब जीजू अचानक से नाश्ता छोड़कर चले गए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। साल में हम 1-2 बार तो आ ही जाते हैं, लेकिन जीजा जी को इतना मोबाइल यूज करते हुए हमने कभी नहीं देखा। आपको पता है बाजी, आजकल मोबाइल चैटिंग से एक क्लिक पर मोहब्बतें शुरू हो जाती हैं। बाजी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी कही हुई बात कहीं सच ना हो जाए। बाजी, आप ना जीजा जी पर थोड़ा नजर रखिए। जी सर, आज
सर आज तो पॉसिबल नहीं है। ओके ओके सर, मरकज का घर पास में ही है, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। ओके सर आप आ जाइए, थैंक यू। डर गई? जी वो आप अचानक आ गए ना इसीलिए। सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम आपका कोई अपॉइंटमेंट है? मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, बरकत जी से मिलने आई। बरकत सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। मैं नंदिनी हूँ, मैं यहाँ अपना काउंसलिंग सेंटर खोलने वाली हूँ। मैम रुकिए, सुनिए मैम। एक्सक्यूज मी, आप इनसे क्या कह रही थी? यही कि यहाँ पे मेरा काउंसलिंग सेंटर बनने वाला है। काउंसलिंग सेंटर? संजीव जी ने तो हमें बोला था कि उन्हें ये जगह किसी पर्सनल काम के लिए चाहिए। बरकत जी वो पर्सनल काम मैं ही हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मास्टर इन साइकोलॉजी की डिग्री ली है, 2.5 साल की प्रैक्टिस है, इसलिए अब यहाँ मेरा सेंटर बने। दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। जो भी है यही हकीकत है, बस अब आप इस ऑफिस में कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। देखिए आप जो भी है हमें आपसे बात नहीं करनी, आप अभी के अभी हमारे केबिन से जाइए। देखिए अभी जाइए। मुझ पर इस तरह चिल्लाना आप पर बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर बरकत। संजीव जी ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला, हिम्मत तो देखो उस लड़की की, संजीव जी को अपने जाल में फंसाकर हमारा क्लिनिक हथियाना चाहती है। हमें तो संजीव जी पर यकीन ही नहीं हो रहा। पर सच तो ये है कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, अपने आप को ही देख लो। तुम ये क्या कह रही हो शफा? आज क्या देखने याद है आपको? हाँ हमें अच्छे से याद है, हम कैसे भूल सकते हैं इतना खूबसूरत दिन। ये वही तो दिन है जिस दिन आप हमारी बीवी बनकर हमारी जिंदगी में आई थी। वाह आपको तो सच में सब याद, तो फिर ये लीजिए। बरकत जी चाची। ओ हाय बरकत, थैंक यू सो मच माय डैशिंग बॉय, हाउ आर यू? मौलिका तुम यहाँ? इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज यार, अब तुम तो लंदन में थी। हाँ मैं लंदन में थी, मैं कल ही वापस आ गई, सोचा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल लूं, लेकिन तुम तो मुझे भूल ही गया। ऐसे कैसे भूल गए, इतना पुराना याराना जो है। अच्छा शफक ये है मौलिका, मौलिका खान हमारे ग्रुप की जान थी मोहतरमा। अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ और मेरा एड्रेस? एक्चुअली वो अपना दोस्त है ना मोटू, अरे विशाल, उसी ने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। ओके पर मेरी याद कैसे आई? कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना था तो सोचा तुमसे मिलके ही करूं, इसीलिए ना सुबह का वेट किया ना तुम्हें कॉल किया, फौरन तुम्हारा एड्रेस लेके चली आई। ओके बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारा ही तो घर है। अच्छा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम? हाँ बताती हूँ, लेकिन यहाँ ओके अच्छा आप सब लोग प्लीज 15 मिनट के लिए बाहर चले जाएंगे। शफक आप क्या है बाजी, आज आपकी एनिवर्सरी है ना, और आपके बजाय आपके बेडरूम में कोई और लड़की। देखिए आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए आपको समझा ही सकते हैं। जीजा जी का चुपके चुपके मैसेजेस करना और ऑफिस होने के बावजूद भी क्लाइंट का इस तरह से घर में आके मिलना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाजी आपकी बड़ी फिक्र हो रही है मुझे।
ये क्या है? जाइए और जाकर अपनी मौलिका को गले लगाइए। आप हमें छुप के देख रही थी? ऐसे अनजान लड़की के साथ बंद कमरे में रहेंगे तो कोई भी बीवी देखेगी। आप गलत समझ रही हैं, वो हमारी बहुत पुरानी दोस्त है। आप हम पे शक कर रही हैं? वजह है उसकी। आपने हमें हमारी परेशानी में तो कभी इस तरह गले नहीं लगाया। आप हम पर ध्यान ही नहीं देते, पूरे दिन अपने फोन में बिजी रहते हैं, और अगर हम आपका फोन छू लें तो बहुत गुस्सा होते हैं। आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं है बेगम, ये सब सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हमें अपने क्लाइंट्स के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो उनके ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा मदद करता है। हमने बहुत इंजॉय किया, तुमने कहा था वैसे ही सब किया। इतनी क्लोजनेस मैंने कभी महसूस नहीं की। लाइफ का बेस्ट टाइम था, बस ऐसे ही प्यार बना रहे। अब तुम सिर्फ एक काउंसलर ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सॉरी, इट्स यू ना? चेक पासवर्ड प्लीज। हेलो जी, बरकत है? बरकत जी, वो नहाने गए हैं। ठीक है, उनसे फोन करवाइएगा। जी, वो मैं आपको एक बात कहना भूल गई थी, किसी व्योमा नाम का कॉल आया था। बरकत कहकर बुला रही थी आपको, लगता है तहजीब की कमी थी। व्योमा का कॉल आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? बेहतर होगा दोबारा हमारा फोन मत छोड़। हाँ व्योमा, हाँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं हूं ना, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां आ जाऊंगा। ओके, अभी आना है? ठीक है फाइन, मैं अभी आ जाता हूँ, बस मैं निकल रहा हूँ। ओके फाइन। आपने आज तक कभी हमसे इस लहजे में बात नहीं की? इससे पहले कभी आपने हमारा फोन भी तो चेक नहीं किया? खुदा हाफिज। बरकत जी, हमने कभी सोचा नहीं था आप इतना गिर जाएंगे। शक करना आसान होता है यकीन करने से ज्यादा, ये बात शफक ने साबित कर दी। लेकिन सच की बुनियाद सच्ची है या झूठी,
ये तो वक्त ही बताता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। एक पत्नी के लिए अपने पति को किसी गैर औरत की बाहों में देखना बर्दाश्त के बाहर होता है, भले ही वो गैर औरत उसके पति की दोस्त ही क्यों ना हो। एक तरफ तो बरकत पर जगह खाली करने का दबाव था, वहीं दूसरी तरफ शफक को अपने पति को किसी गैर औरत के साथ देखने पर तनाव था। तो क्या बरकत दबाव में आकर संजीव के खिलाफ कोई गलत कदम उठाएगा, और क्या जगह को लेकर संजीव और बरकत के बीच घमासान होने वाली है? आइए देखते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ विमला, कम इनसाइड। ओके। अच्छा, इस मंथ के सभी क्लाइंट्स का रीविजिट शेयर करिए मेरे साथ। ओके सर। सलीम यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? वो भाईजान फाइल ड्रॉअर में डाल रहे थे। हटिए अभी वहां से, और दोबारा से इस तरह की हरकत यहाँ मत करना, समझे? जी। नमस्कार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, दो दिन बचे हैं तो सोचा थोड़ा हिसाब किताब कर लेते। हम क्लिनिक खाली करने वाले नहीं है। हाँ हाँ, नहीं करेंगे क्लिनिक खाली। क्या कर लेंगे आप? भाई तुम कौन हो, बड़ा उछल रहे हो? हैं? हम कोर्ट जाएंगे, स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे। कोर्ट कचहरी करना है ना आपको? शौक से कर लो, हमने वकील से बात कर रखी है। ओपन शट केस है, एक हफ्ते में खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, घटिया इंसान है आप, चीटिंग कर रहे हैं। हम चीटिंग कर रहे हैं? जगह है हमारी, मालिक हम, और हमने किराए पे दिया है आपको, और अपनी चीज हम वापस ले रहे हैं, तो चीटिंग की कौन सी बात है भाई? और सुनिए, ये फालतू का इल्जाम मत लगाना दोबारा, वरना भरना क्या करेंगे आप? गुंडों को बुलाएंगे, गुंडों के दम पे हमारा क्लिनिक खाली कराएंगे? आवाज नीचे। नहीं करेंगे आवाज नीचे, सबको बताएंगे कितने घटिया इंसान है आप। एक लड़की के लिए हमसे हमारा बिजनेस छीन रहे, शर्म आनी चाहिए आपको, गिरे हुए इंसान है आप। बस बरकत, आगे एक शब्द बोला ना तो ठीक नहीं होगा। हमारे भाई जान को धमकी दे रहे हो, जानते नहीं हमें? सारी हेडी निकाल देंगे अभी तुम्हारी। उठिए डॉक्टर, हमारी जगह पे खड़े होके हम पे हाथ उठाया, फिर ठीक नहीं किया तुमने। सलीम ये क्या बदतमीजी है? देखिए संजीव जी, गलती से लग गया, आप किसी ने हाथ नहीं उठाया। डॉक्टर साहब, ज्यादा भोले मत बनो, हाँ सब समझ में आता है हमको। हमको मारने के लिए गुंडे बुलाए तुमने है? देख लेंगे, और ये जमीन और ये जगह तुमको खाली करनी पड़ेगी। अब क्या कहोगे शफक? आज जनाब पहले दिन क्लिनिक में आए और संजीव जी पे हाथ उठा दिया। हमारी क्या गलती, वो आपको धमकी दे रहे थे, हमसे रहा नहीं गया। और वैसे भी अगर आप ऐसे ही रहे ना तो आपसे दुकान खाली करा ही लेगा। अब तुम हमें बताओगे क्या करना है क्या नहीं? अब जाने भी दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दें? अगर हमारी इतनी फिक्र है तो हमारे क्लिनिक में आज चोरी क्यों कर रहे थे? चोरी? हाँ चोरी, वो तो अच्छा हुआ हमने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया। ये क्या बोल रहे हैं, हम और चोरी? मुझे झूठा बोलता है, एक तो चोरी करता है ऊपर से सीधा चोरी करता है। बाजी आप समझाइए ना जीजा जी को, हमारे शोहर पे इस तरह से तोहमतें ना लगाएं। बरकत जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, घर आए मेहमानों से कोई इस तरह से पेश आता है, हो क्या गया है आपको? अगर आप कोहिन अपने साथ क्लिनिक नहीं ले जाना है तो मत ले जाइए, पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगाइए। हाँ हाँ जीजा जी, भला क्यों मेरे शोहर को अपने ऑफिस में रखेंगे, इनकी रंग रलियां जो बंद हो जाएंगी। शफक अपनी बहन से कहो सोच समझ कर बात करे, छोटी है छोटी बनकर रहे। क्यों, क्या गलत कह रही है वो? तुमसे तो बात ही करना फिजूल है। बरकत, बरकत सुनो, देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, बस ही वक्त का इंतजार कीजिए।
कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा। लापरवाही हुई कैसे? हम कुछ सुनना नहीं चाहते। खत्म करो उसे। जितनी ताकत चाहे उतनी ताकत लगाओ, लेकिन एक ही बात में चुप करो उसे। देखो, हमें इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितनी जल्दी हो सके इस कचहरी को खत्म करो यहाँ से। कमिटमेंट हमारा किसी के साथ फिर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? विमला, अकाउंट में पैसे जमा कराकर डायरेक्ट क्लिनिक आ जाओ। ओके। कौन हो? आप जब ऑफिस पहुंचे तो आपने क्या देखा? सर, मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करके जब वापस आई तो देखा वर्कर सर अपनी चेयर पर खून में लथपथ पड़े हुए हैं। मैंने तुरंत 100 नंबर डायल किया। ओके। इस कैमरे की फुटेज की कॉपी चाहिए हमें। सर, ये सीसीटीवी कल शाम से काम नहीं कर रहा है। क्यों? पता नहीं सर, सीसीटीवी वालों को बोला था सुबह आने को, पर अभी तक आया नहीं है। अब ये सीसीटीवी वाला कैमरा चेक करने है। क्यों भाई, तुम्हें सुबह बुलाया था और दोपहर में आ रहा है? सर, मैंने सुबह ही आने वाला था, फिर साहब का मैसेज आया कि दोपहर में आना, इसलिए मैं अभी आया हूं। शर्मा, जरा इसका मोबाइल तो चेक कर। हाँ साहब, मैसेज है कि दोपहर में आना। साहब, मैं वही तो कह रहा था। ठीक है, तुम अभी जाओ। मिसेज बरकत, रुक जाइए, संभालिया खुद को। प्लीज किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए और बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपको सौंप दी जाएगी। बाजी, खुद को संभालिए बाजी। आप इनकी बहन है? जी सर, ये हमारे शौहर। आप सब साथ में रहते हैं? जी नहीं सर, हम तो जीजू के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करना था। बरकत जी से किसी की दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी सर। थी दुश्मनी थी इंस्पेक्टर साहब, किसी और से नहीं, संजीव से थी। और हमें पक्का पता है ये संजीव नहीं करवाया है। तो आप हैं संजीव जी? जी सर, क्लिनिक का मालिक। क्यों मारा आपने बरकत जी को? किसी बात कर रहे हैं आप, हम क्यों मारेंगे बरकत जी को? बरकत जी की बीवी का तो यही कहना है कि आपने मारा है उन्हें। नहीं नहीं, देखिए हमारी उनसे थोड़ी दुश्मनी हो गई थी, हम मानते हैं। हम दरअसल किसी भी हालत में ना क्लिनिक खाली कराना चाहते थे, बस इतना ही। इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि आपसे छुपाएंगे नहीं कुछ,
हम डॉक्टर साहब की मेहनत से कमाई हुई गुडविल का फायदा उठाना चाहते थे, हम मानते हैं, इसीलिए हमने विमला को पैसे दिए और ताकि वो सारी जानकारी हमको देते और आप आसानी से उनका खून कर सकें। खैर फिर क्लिनिक खाली कराने के चक्कर में थोड़ी अनबन हुई हमारी, और जब उन्होंने क्लिनिक खाली करने से मना किया तो आपने उन्हें मरवा दिया। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया आपको, लेकिन ये खून करने जैसा अपराध हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो आपका कहना है, पर आप पर खून का इल्जाम लगाया गया है और बहुत जल्द इस बात का सबूत भी मिल जाएगा। क्या इंसान के जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक इंसान छोटी से छोटी बात पर दूसरे इंसान का कत्ल करने पर तत्पर हो जाता है? बरकत जैसे सीधे सच्चे इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गुनहगार हमेशा शातिर होता है, वो अपने जुर्म को इतनी आसानी से अंजाम देता है कि पुलिस को उसकी कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें कोई सुराग मिला था और ना ही कोई पुख्ता सबूत। शफक ने संजीव के खिलाफ जो बयान दिया था, वो बयान संजीव को गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं था। तो क्या गुनहगार कानून के सामने नहीं आएगा? क्या कानून को गुनहगार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे? क्या शफक को इंसाफ मिलेगा, या फिर कोई ऐसी सच्चाई थी जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? आइए देखते हैं। साहब, अरे शर्मा कहाँ रह गया? साहब वो फोन का लॉक खुलवाने में थोड़ा टाइम लग गया। कुछ मिला मोबाइल में? हाँ साहब, लगता है बरकत जी काफी रंगीन मिजाज थे, अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें करते थे। तुमने तो बहुत कुछ पता लगा लिया। अच्छा किससे करते थे पर्सनल बातें? व्योमा से। व्योमा? व्योमा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी चैट बरकत जी के साथ काफी पर्सनल थी। जी हाँ, मैं डिप्रेशन में थी और उसने एक दोस्त बनकर मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो आप उनसे पर्सनल बातें करने लगे? बरकत से मैं अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। धीरज जी आपको अपनी बीवी की पर्सनल बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? जी नहीं। सच कह रहे हो या फिर उनका सबूत छिपाने के लिए बातें बना रहे हो? मेरी सारी बातें धीरज जी के सामने ही हुआ करती थी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन आना होगा। जी हम आ जाएंगे। निकालो इसको, और अरे थोड़ा जल्दी करो यार। रुक जाइए, ये क्या करवा रहे हैं आप? ये बोर्ड यही रहेगा। हाँ, ये जीजाजी के दिल के करीब था। पर आपने तो हमारे जीजाजी को धोखा दिया है। देखिए आपके साथ जो कुछ हुआ उस बात के बहुत अफसोस है। मानते हैं कि हमारी नीति खराब थी, गलत थी, लेकिन हमने खून नहीं किया है। वैसे भी अब बरकत जी दुनिया में नहीं है, तो अपनी जगह तो आपकी किसी काम की नहीं। वाह, ये क्लिनिक मेरे ही शोहर के नाम पर रहेगा। बस आज से यहाँ पर सलीम बैठा करेंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? ये जगह मेरी है, यहाँ का मालिक हूँ मैं, और ये जगह मैंने आपके शौहर को किराए पर दी थी, आपको नहीं। सब जानते हैं हम, अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ नाजायज संबंध है आपके, और आप जैसा गिरा हुआ इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एक शब्द और मत बोलना। क्या कर लेंगे आप? हमको ही मरवा देंगे, जैसे जीजाजी को मरवाया था। अरे तुमको तो मैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा होगा आपके साथ, मान जाइए, वरना। क्या बात है संजीव जी, यूं अचानक बैठे बिठाए खुद को अरेस्ट करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमने बरकत का खून करवाया सर, वो हमारे और नंदिनी के रिश्ते को गाली दे रहा था। चलो अच्छा हुआ आपने सामने से आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, एक विनती हमारी। क्या? मेरी बेटी भाभी को नंदिनी को सौंप दिया जाए, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। कहाँ है आपकी बेटी? स्कूल गई है, नंदिनी से पिक कर लेगी। इंस्पेक्टर साहब एक विनती और है आपसे, हमारी बेटी भाभी और नंदिनी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक, चलिए। आखिर हमें इंसाफ मिल ही गया। इंसाफ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने सारी छानबीन की, सारे सबूत संजीव जी के खिलाफ,
और संजीव जी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया। सर उन्हें झूठे खून के इल्जाम में फंसाया जा रहा है। आप ये सब इतना यकीन के साथ कैसे कर सकते हैं? और कौन फंसाएगा उन्हें? ऑफिस खाली होने से सिर्फ आपको फायदा होने वाला था। सर कोई और भी है जिसे इस ऑफिस से फायदा होने वाला था? आप सख्ती से पूछताछ कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। और आपको सीसीटीवी में भी तो कुछ मिला होगा। जिस दिन बरकत जी का मर्डर हुआ उससे एक रात पहले की सीसीटीवी फुटेज गायब। सर सर आपने बैकअप ड्राइव चेक किया क्या? बैकअप ड्राइव? एक्चुअली संजीव ने मुझे बताया था कि ऑफिस के सेफ्टी के लिए उन्होंने बैकअप ड्राइव भी लगवाया था, शायद उससे कुछ हमें हेल्प मिल जाए। चालू करें। जिस दिन मर्डर हुआ उसके एक रात के पहले की फाइल दिखाओ। रुको रुको रुको, इसे जूम करो। जी साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ, बरकत जी के असली कातिल को लेने आए हैं। मतलब? शर्मा अरेस्ट हिम। हमको क्या अरेस्ट सर? हमने क्या किया? फोन किया है तुमने बरकत जी का? ये क्या कह रहे हैं आप? चला भोले बनने की कोशिश मत करो, समझे? सर आपके पास क्या सबूत है? वो सब पूछना आपका काम नहीं है। चलो ले चलो इसे। रुकिए, जब संजीव जी कबूल कर चुके हैं तो फिर आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? अरे खामखा फंसा रहे हैं हमको। देखिए मैडम, क्रिमिनल कितना भी चालाक हो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। सलीम जी तुमने चेहरा तो छुपा लिया लेकिन जूते छिपाना भूल गए, जो इस वक्त यही है। बोलो हाँ या ना। सलीम तुमने किया बरकत का खून? इतने घिनौनी हरकत तुमने क्यों करी? बोलो सलीम बोलो। वाह जी जी वाह, बहुत चालाक निकली आप तो। सारा किया धरा आपका, भोली तो देखो कैसी बन रही है, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि बरकत जीरा जी का खून और किसी ने नहीं बल्कि खुद शफाक बाजी ने करवाया है। क्यों झूठ बोल रही हो सारा? अपने शोहर को बचाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो? ये झूठ बोल रही सर। ये क्या कह रही हैं आप बाजी? आपके कहने पर हम दोनों ने जीजा जी का खून किया। ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया हम सबने। जब हमारा साथ देने का वक्त आया तो अपनी छोटी बहन का हाथ छोड़ दिया आपने। मुझे आप पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अरे जो औरत अपने शौहर की ना हुई किसी और की क्या होगी? हाँ हमने कराया अपने शौहर का खून, हमने मरवाया बरकत को। क्यों करवाया आपने ऐसा? क्योंकि वो हमारे बदले किसी और के हो चुके थे। रात रात भर गैर औरतों के मैसेजेस आना, उनसे चैट करना, और एक बार तो हमने उनके तमाम मैसेजेस पढ़े। और तो और हमारी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन हमारे बेडरूम में हमने उन्हें किसी और औरत के गले लगते हुए देखा था। बस हमें उसी दिन यकीन हो गया था ये हमको धोखा दे रहे हैं। फिर उनका व्योमा से मिलने जाना, हमने बरकत जी का पीछा किया, हमने उन्हें व्योमा के साथ देखा।
बरकत जी पर पहला हमला हमने रोक पर करवाया, लेकिन वो नाकामयाब रहा। तभी हमने तय कर लिया कि अगला हमला हम ऑफिस में करेंगे। फिर हमें सीसीटीवी की याद आई और हमारे पास जो चाबी थी वो हमने सलीम को देकर सीसीटीवी बिगड़वा दिया। सीसीटीवी सही करने वाला सुबह को आने वाला था। ये पता लगते ही हमने बरकत जी के फोन से उसको दोपहर आने को मैसेज किया और फिर डिलीट कर दिया। और इससे पहले कि किसी का हम पर शक जाए, हमने पुलिस को गुमराह करने के लिए सारी बात संजीव जी पर उछाल दी, ताकि सबका शक उन पर जाए। और बचने के लिए दूसरे दिन हमने सलीम और सारा के साथ मिलकर संजीव जी की बेटी को किडनैप कर लिया और उन्हें धमकाया कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। और बस इसी तरह हमने बरकत जी की जान ले ली। सिर्फ और सिर्फ आपने एक गलतफहमी की वजह से बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कैसी गलतफहमी? आपके पति एक बहुत नेक दिल इंसान थे। औरतों के मैसेज आना उनके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा था, और आपने वेमा के एक मैसेज के आधार पर इतना बड़ा गुनाह कर डाला। वेमा अपने पति के सामने मैसेज करती थी। वेमा एक पेशेंट थी और उसके पति ने अपनी पत्नी का साथ दिया, लेकिन आप डॉक्टर की पत्नी होकर अपने पति का साथ ना दे सकी। या अल्लाह। ले चलो इन सबको, चलो। अब पछताने का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत है तो बहुत ही पुरानी और सरल, लेकिन जब जिंदगी आपको ठोकर देती है तब हमें इसके मायने समझ में आते हैं। आपने देखा कि आधी अधूरी बातों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शफक को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पति पत्नी के सफल जीवन की सबसे गहरी और बड़ी नींव होती है भरोसा, जिसके चलते दो लोग पहली बार मिलकर एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस नींव का प्रबल और मजबूत होना अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।